హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు ఒక సినిమా మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుందన్నమాట. ఆ సినిమా పేరే ఫ్రెండ్షిప్. ఇది తెలుగు, కన్నడ, తమిళ్ ఆడియన్స్ని కూడా పలకరిస్తుంది. ఇందులో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా? ఆయన అలా క్రికెట్ గ్రౌండ్లో పిచ్ మీద ఉంటే సిక్స్లు వెళ్తాయని తెలుసు, అండ్ ఆయన వేసే బాల్స్కి క్లీన్ బౌల్డ్ అవుతారు ఆపోజిట్లో ఉన్న క్రికెటర్ అని తెలుసు. ఇప్పుడు ఇంట్రోలు ఇవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు, అంత మంచి క్రికెటర్ మన హర్భజన్ సింగ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఫ్రెండ్షిప్ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి. ఆలస్యం చేయకుండా ఆయనతో వర్చువల్గా కనెక్ట్ అయిపోదామా? హాయ్ హర్భజన్ జీ, హౌ ఆర్ యూ? Very fine. How are you doing? I thought एक बार तो मुझे लगा कि लॉसलिया मेरा इंटरव्यू लेने आ गई है. You look like, हाँ, मुझे एक बार तो लगा है, शायद लॉसलिया सामने बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रही है. Oh, सच में? Thank you so much. शायद इसीलिए ये जॉब मिला मुझे. So, थोड़ा सा मेरा हिंदी खराब है, पोल्यूटेड हिंदी है. सो हैदराबादी हिंदी सुनाई देगा आपको, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप. Don't worry, I love हैदराबादी accent. It's beautiful when people speak in Hindi. With Hyderabadi accent, it's beautiful. Something very, very unique and very, you know, soothing to the ears. Thank you so much. Harbhajan ji, matlab yahan par sare logon ko pata hai, aap great cricketer hai. In cricket, you are the master. But yes, I have seen few films of yours, already Hindi mein release ho chuke the. Lekin this one is complete lead actor jaisa aap dikhai de rahe. So, iska baare mein kuch bataiye. या ये फिल्म मेरी पहली फिल्म है जिसमें मैं लीड के तौर पे एक्ट कर रहा हूँ. उससे पहले मैंने कुछ कुछ फिल्मों में 2-3 मिनट का अपीयरेंस के तौर पे काम किया है, जैसे मुझसे शादी करोगी, फिर देयर आर कपल ऑफ पंजाबी मूवीज जिसमें मैंने जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्प्स जैसा अपीयरेंस दिया है. पर दिस वॉज काइंड ऑफ फर्स्ट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट जिसमें मैं एज ए फुल हीरो के तौर पे मैं इस फिल्म में आया हूँ. तो इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी. पहली बात तो एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई कि मैं ये कर सकता हूँ. पर मैंने कहा अगर नहीं किया तो 10 साल बाद अपने आप को कहूंगा कि यार शायद करता तो ही पता चलता ना कि क्या होता. सो वो करने के बाद ही आपको कहते हैं ना कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा तो होगा. तो तजुर्बा जरूर हो गया और उसके बाद साथ साथ ये काम भी नया है मेरे लिए और सीख रहा हूँ. एंड या व्हाई नॉट, यू नो, अगर बाकी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है. इफ यू गेट इनटू समथिंग यू मेक श्योर यू गिव योर 100%, इफ नॉट टुडे बट टुमारो इवेंचुअली यू विल गेट देयर व्हेयर यू वांट टू बी. दैट्स हैज बीन द मंत्रा फॉर मी. मेरे जो क्रिकेट का भी यही दौर था जब मैं क्रिकेट खेलता था कि अगर आज नहीं तो कल तो सक्सेसफुल होऊंगा बट मेहनत करता रहूंगा. तो अभी इसमें एक ही अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, मैंने करके देखते हैं. Let's see where it goes. No sir, मुझे लगा था जब ट्रायलर टीजर देखते वक्त मुझे लगा था आप completely एक साउथ इंडियन हीरो का जैसा दिख रहे हो. So I really love that look. So you done action, dance and everything. Is there any nervousness before you, मतलब accept करने से पहले, is there any nervousness? या नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी क्योंकि मैंने अपने आप को कभी देखा नहीं था कि मैं एज ए एक्टर कोई जो है फिल्म करूंगा. हाँ, थोड़ा बहुत अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस हियर एंड देयर इज ऑलवेज फाइन, कि पर पूरी फिल्म करना इट वाज अ बिग चैलेंज. और नर्वसनेस सिर्फ और सिर्फ तब होती थी जब मुझे डायलॉग बोलना होता था क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी मेरे लिए मुश्किल है और उस लैंग्वेज में डायलॉग बोलना इज इवन मोर डिफिकल्ट. तो तब जाके मुझे नर्वसनेस शुरू होती थी. जहां तक बात रहती थी कि फाइट सीन है या फिर डायलॉग डिलीवरी नहीं है, सिर्फ यू नो जस्ट शॉट है, और वो सब चीजों में मुझे तकलीफ नहीं होती थी. और एक चीज में और सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब उन्होंने बोला कि डांस करना है. तो जैसे ही उन्होंने बोला डांस करना है तो मैं पहले बैकफुट पे चला गया कि डांस करना है मैंने. और वो भी साउथ इंडियन जितने भी मैं गाने देखता हूँ जो कैची सॉन्ग हैं उसमें डांस बहुत ज्यादा तेज स्पीड से डांस करते हैं, बहुत फास्ट डांस होते हैं, उनके मूवमेंट्स अलग मूवमेंट्स हैं. तो मुश्किल होते हैं बट यस, थोड़ा बहुत मैंने मैनेज कर लिया somehow. वाओ, यू डन अ ग्रेट जॉब. ओके, हु अप्रोच्ड यू फर्स्ट? एवर मी माय फर्स्ट अप्रोच है यार ये प्रोजेक्ट गुरिंची. मेरा दोस्त है सर्वनन करके लड़का है जो मेरे लिए वहां पे काम भी देखता है, वहां पे सर्वनन पांड्या करके लड़का है जो साउथ इंडिया में मेरा काम देखता है.
जो बिजनेस क्वेरीज कुछ होती हैं तो वो देखता है, तो वो लेके आया था ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। और मैंने उसको लेकिन साफ ही मना कर दिया था, मैंने कहा कि नहीं यार, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज कभी किया नहीं है और कैसा होगा मुझे पता नहीं है। बट एक बार उसने बोला कि एक बार उनसे मिल लो आप, जब मिलोगे यू माइट लाइक द स्टोरी, एक बार मिलने में क्या जाता है। तो जब उसने मुझे बोला कि एक बार अगर मिल लेता हूँ तो क्या जाता है, तो मैंने सोचा हाँ, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं मिला उनसे, जॉन से, स्टालिन से और सूर्या, जो ये तीनों लड़के हैं, इन्होंने जो फिल्म बनाई है, तब इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई कुछ उसके, मुझे क्योंकि ये रीमेक फिल्म है, दिस इज रीमेक ऑफ वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर मूवी, तो जब उसके कुछ सीन दिखाए तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ, मूवी का फील अच्छा है, इट्स ए गुड फील काइंड ऑफ अ मूवी, पर एट द सेम टाइम देयर इज लॉट लॉट ऑफ मीनिंग टू इट, तो एंड में राइट मैसेज बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा मैं कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दिस इज लाइक आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ माई कैरेक्टर, कि उस चीज में घुलना मिलना और उसको बयां कर पाना अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में, उस कैरेक्टर को, वॉज अ डिफिकल्ट थिंग। बट यस, आफ्टर टेकिंग फ्यू मंथ टाइम आई सेड यस टू इट, आई सेड चलो देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा, तो वो तजुर्बा जो है वो बहुत अच्छा रहा है। और थैंक्स टू जॉन, स्टालिन एंड एंड सूर्या एंड द होल टीम, आई थिंक यू नो दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल फॉर मी, एंड मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार फिल्म जो है वो कर रहा हूँ। సో డాన్స్ కాకుండా మీకు ఏదైనా టఫ్ అనిపించిందా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ డాన్స్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ సీన్ దట్ యూ ఫెల్ టఫ్? या देर वॉर लाइक कपल ऑफ सीन वेर आई फेल्ट यू नो कि ये शायद मेरे से नहीं होगा। जैसे हमारी देर अ सीन इन द मूवी वेर आई हैव टू यू नो गेट इमोशनल एंड आई हैव टू ओके क्राई, एंड टू गेट द इमोशन आउट यू हैव टू फील द सीन यू नो, एंड इट टुक मी लाइक 2 3 4 घंटे लगे वो सीन को देते हुए, क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे किस इमोशन में मुझे जाना है, क्या करना है मुझे टू गेट द सीन राइट। तो बट यस, एज आई सेड यू नो जॉन, सूर्या, दे वर वेरी कोऑपरेटिव कि हाँ यार कोई बात नहीं, जब तक सीन नहीं होगा हम यहाँ पे हैं। और मैंने भी उनको ये बताया था कि सही, मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैं इसी लिहाज से खेला हूँ कि मुझे हर चीज परफेक्ट करनी है, और अगर कुछ चीज परफेक्ट नहीं होती है तो उसको बार बार करना है जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए। और जब मैं फिल्म के सेट पे भी गया था तो मैंने इनको बोला था कि अब मैं यहाँ आया हूँ, आई एम विद यू ऑल टिल द टाइम आई एम हेयर, यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, और मेरे से बेस्ट निकलवाना है। वो कैसे निकलवाना है आपकी मर्जी है, जहाँ 5 घंटे लगते हैं वहाँ 10 घंटे भी लगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट वाह योर प्रोडक्ट शुड बी यू नो कमिंग वेरी वेरी गुड। तो राइट वो जब मैंने उनको बोला, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो ये लड़के अभी मुझे टाइम देंगे कि अगर मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा हूँ तो मुझे बताएंगे कि ये ऐसे करना है। तो वो जो सीन था, वो गेटिंग इमोशनल, गेटिंग द इमोशन आउट, क्राइंग एंड द सेम टाइम सेइंग ए डायलॉग, देन उसी में ही थोड़ा आंखों में वो फील लेके आना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था टू बी ऑनेस्ट। हम फिल्म देखते हैं कभी कभार हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि वॉट दीज एक्टर्स गो थ्रू टू गेट द ट्रू सीन राइट। तो जब यू आप उनके जगह पे अपने आप को देखते हो तो फिर देन यू फील कि हाँ यार ये भी काम बड़ा मुश्किल है, आसान काम कोई नहीं होता, ये भी एक्टिंग इज ऑल्सो अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ थिंग, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। हाँ हम फिल्म देखने जाते हैं, वी ऑल इंजॉय कि बहुत अच्छी फिल्म थी, उसके बाद हम क्रिटिसाइज भी करते थे, नहीं यार ऐसे होता वैसे होता ये शायद ऐसे होता, बट आई थिंक इट गोज लॉट इन 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 टू मेक ए राइट सॉर्ट ऑफ सीन एंड टू मेक द राइट मूवी। सो फॉर मी टू डू दोज इमोशनल सीन्स वर वेरी वेरी डिफिकल्ट वंस। హ్యావ్ యూ టేకెన్ ఎనీ టిప్ ఫ్రమ్ యువర్ వైఫ్? మీరు ఏమైనా మీ వైఫ్ దగ్గర నుంచి యాక్టింగ్ టిప్స్ తీసుకోవడం జరిగిందా? యా ఆఫ్ కోర్స్, మే బాత్ కర్తా థా ఉన్సే కి यू नो क्या करना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि कैसा जस्ट करना चाहिए? प्रैक्टिस 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 विल मेक यू परफेक्ट, एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग इट यू विल गेट देयर, इफ नॉट टुडे बट टुमारो यू विल गेट देयर, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज लर्निंग। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही कुछ करने जाओ तो सीख जाते हो, बट जब आप उसको
उस चीज में घुस जाते हो, आप बार बार चीजों को ट्राई करते हो तो आ ही जाती है। पर हाँ, मेरी वाइफ मुझे हमेशा कहती है कि तू ये बहुत सोच समझ के इस चीज में जाना, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी एज इट लुक्स। तो शी वाज राइट, यू नो, इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल टू एक्ट एंड टू गेट द इमोशन राइट थ्रू आउट द मूवी। कभी हंसी वाला सीन है, कभी मजाक वाला सीन है, कभी रोने वाला सीन है, तो वो सब करने मुश्किल काम है, ऐसा आसान नहीं है। True. So what is easy for you? Cricket या playing cricket या acting these roles? See, playing cricket is obviously, I've done it for almost 25 years. It's not easy. Playing cricket is not easy. I don't think it's easy at all, क्योंकि उसमें भी परफेक्ट खेलना और उस प्रेशर को झेलना, यू नो व्हाट यू गो थ्रू, यू कैरी द बर्डन, नॉट द बर्डन बट आई वुड से कि इतने लोगों की इमोशंस को साथ लेके चलना मैदान में, एक्सपेक्टेशंस को साथ लेके चलना और उस प्रेशर को झेलते हुए आप मैच में सही रिजल्ट निकालना, परफॉर्म करना, इट्स नॉट इजी एट ऑल। यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू गेट टू दैट लेवल। सो आई एम वन ऑफ दोज, यू नो, गाइज हू आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड दैट, यू नो, ही मेड मी एंड ही चोज मी टू प्ले फॉर इंडिया फॉर नॉट जस्ट फॉर 1 ईयर बट ऑलमोस्ट फॉर 20 ईयर्स, विच इज ऑब्वियसली ए बिग बिग थिंग फॉर मी। और बहुत कुछ सीखा है क्रिकेट से, और क्रिकेट खेलना आसान नहीं है, बट मैं ये भी कहूंगा कि मूवी करना भी आसान नहीं है। कोई काम आसान नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर एवरीथिंग यू वांट टू बिकम और टू अचीव। सो आई विल नॉट कंपेयर वेदर टू डू मूवीज और वेदर टू प्ले क्रिकेट, कौन सा एक चूज करो कि कौन सा आसान है। फॉर मी क्रिकेट विल ऑलवेज रिमेन वेरी डिफिकल्ट टू प्ले, बट येस ऑल्सो एट द सेम टाइम डूइंग मूवीज और डूइंग एनीथिंग will require a lot of efforts, and which I have put in the effort to make this movie right. Wow. Your co-actors, Arjun sir and Satish ji, उनका बारे में कुछ बताइए. कैसा लगा वर्किंग एक्सपीरियंस विद देम? वाले तो वर्क चेयर में लान पिंचिंदी मी को. See, Arjun is a nice guy. He's been around for many years, and of course, working with such people, obviously you get to learn a lot from them, their experience, what they do in their field, you know, why they have become successful, and how much work they have done on their you know, acting and skills and everything. And it's come down to discipline, you know, if you're disciplined enough to understand what is happening around you and how you want to, you know, shape your career in any particular thing you want to do. So Have you learnt it's nice any working. acting ideas from Sorry, Arjun sir? थोड़ा बहुत जो देखिए फाइट सीन में मेरे उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए थे कि फाइट सीन करते हुए बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए और क्या एक्सप्रेशंस होने चाहिए, तो ही इज बीन वेरी हेल्पफुल। सतीश इज वन ऑफ माय को एक्टर इन दिस मूवी, हु इज अ कॉमेडियन। ही मेड श्योर आई एम वेरी कंफर्टेबल इन लाफिंग एट ऑल टाइम ऑन द सेट, तो उसकी भी बड़ी मदद रही है, क्योंकि यू हैव टू हैव राइट सॉर्ट ऑफ पीपल अराउंड यू टू कीप पुशिंग यू एंड मेकिंग यू फील दैट, you know, there is no pressure, you just be yourself, and that's exactly what Arjun did, and so did Satish. So एक फिल्म करते वक्त मतलब बहुत सारे मेमोरीज ऐसे रहते हैं, लाइफ टाइम मेमोरीज रहते हैं. सो इस फिल्म जब फ्रेंडशिप का बारे में पूछा जाया तो सो विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट मेमोरेबल इंस्टेंट? मेरा सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट अगर मैं कहूँ तो जिस दिन हमने ये फिल्म खत्म कर ली थी, you know, मैं फिल्म खत्म करने के बाद वहां से जब निकल गया तो आई काइंड ऑफ मिस एवरीवन। मैंने कितना अच्छा माहौल था, इतने दिनों से हम वी वर ऑल शूटिंग टुगेदर, वी वर हैविंग अ लाफ, यू नो, वो सेट पे जाना, वहां पे सबके साथ फन करना, मजे करना, सर ज्यादा ज्यादा तो किसको मिस किया आप? नेम वन. मैंने पूरे सेट को ही, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज लाइक कि यू यू बिकम अ फैमिली, यू नो, जब आप 25-30 दिन लगातार इकट्ठे रहते हो तो एक दूसरे को जानते हो, यू फील वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। तो जब आप वहां से निकलते हो तो यू काइंड ऑफ सेट दैट, यू नो, मिस दैट कि यार वो लोग यार, और वो खाना और वो वेनिटी, वो सब, यू मिस दैट। वन पर्टिकुलर थिंग अगर आई मिस द मोस्ट इज ऑफ कोर्स अमेजिंग फूड व्हाट आई गॉट ड्यूरिंग द शूट। यू नो, आई एम अ फूडी, तो मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। साउथ फूडी का बात तो हो ही नहीं सकता, इतना फिट
कहाँ पर चला जा रहा सारा कुछ? सारा कुछ कहाँ जा रहा है? यही तो. सो जितना खाना खाते हो उतना आपको वर्कआउट भी करना पड़ता है. सो आई मेक श्योर कि मेरी मेरी जो रूटीन है वो खराब ना हो. अगर मैं जितना खाता हूँ उससे ज्यादा वर्कआउट भी करना जरूरी है. एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 1.5 2 आवर्स अ डे इन द जिम और ऑन द ग्राउंड टू डू यू नो व्हाट इज देयर टू बी डन फॉर योर बॉडी. तो बस वो कोशिश करता हूँ. खाओ पियो मौज करो पर एट द सेम टाइम एक्सरसाइज जरूर करो. लुसिया उनका नाम क्या है? थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है मुझे. लॉसलिया. लुसिया लॉसलिया. ओके ओके. नो सो प्रॉब्लम. उनका बारे में कुछ बताइए. लॉसलिया इस फिल्म में हमारी दोस्त है. हम इकट्ठे पढ़ते हैं और फिर हमारी दोस्ती हो जाती है. हम सबका एक ग्रुप बन जाता है और बड़ी अच्छी लड़की है. और इस फिल्म में उसका किरदार है कि वो सबसे मिलजुल के रहती है. चुलबुली काइंड ऑफ अ गर्ल. और बस हाँ कुछ मिस हैपन हो जाता है उसके साथ इस फिल्म में जिसके इर्द गिर्द फिर ये फिल्म चलती है. बट शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल. और सेट पे ऑब्वियसली शी वाज ऑलवेज यू नो राइट ऑन टाइम. और एक्टिंग स्किल्स की बात करूँ तो शी इज वेरी गुड वेरी गुड. ओके. हैव यू सीन एनी तेलुगु सिनेमा? मीरे देना तेलुगु सिनेमा ने चूडन जरिगिंदा. ऑफ कोर्स तेलुगु सिनेमा. बाहुबली. ओहो. बाहुबली बिग ओके. फैन बाहुबली. व्हाट एन अमेजिंग मूवी दे हैव मेड. आउटस्टैंडिंग. आई मीन वी फील सो प्राउड यू नो द काइंड ऑफ मूवीज नाउ इंडिया इज मेकिंग. बाहुबली इज ऑब्वियसली अ बेंचमार्क फॉर द पीपल टू सी कि हाँ भाई हम हिंदुस्तान में भी ऐसी तगड़ी फिल्में बनाते हैं. आप जो हॉलीवुड की बात करते हो कि हॉलीवुड में बहुत तगड़ी फिल्में बनाते हैं तो दिल हैव टू सी व्हाट बाहुबली हैज मेड. एंड इट्स अ प्राउड सॉर्ट ऑफ फीलिंग यू नो व्हेन यू सी ए मूवी लाइक बाहुबली कि हाँ हमारे हिंदुस्तान में भी इतनी बढ़िया फिल्में बनती है. हैट्स ऑफ टू ऑल द टीम मेंबर्स एंड प्रभास एंड एवरीवन. दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब. और टू बी ऑनेस्ट मैंने बाहुबली से तकड़ी और बढ़िया फिल्म देखी नहीं है. अनबिलीवेबल जो सिनेमैटिक सीन्स जो हैं वो जो दिखाया गया है सेट्स एंड ऑल इट्स अनबिलीवेबल अमेजिंग. मेरे को मौका भी मिला था कि मैं वो सेट देखने हैदराबाद जब मैं आया था मैं देखने गया था वो सेट्स. ओह वो देख देख के वो यादें ताजा हो गई थी. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ बाहुबली मूवी. एंड प्रभास यू हैव डन अ ग्रेट जॉब ब्रदर. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप यू विल कंटिन्यू टू यू नो इंस्पायर मेनी 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 यंगस्टर हु वांट्स टू बी लाइक यू. सो वेल डन एंड ऑल द वेरी बेस्ट गोइंग फॉरवर्ड. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. सीरियसली. ओके. हु इज योर फेवरेट एक्टर इन टॉलीवुड? Tollywood, see, there are many great actors in South India. If we talk about, you know, बहुत बड़ा है South India. रजनी सर से लेके वेंकटेश, चिरंजीवी सर, या फिर प्रभास, you know, all these guys have done commendable job. और विजय, तालापति, तो जितने लोगों का मैं नाम लूँ कम है क्योंकि they have done all commendable job, you know. और ये इन्होंने इंस्पायर किया है आने वाली जनरेशन को कि कैसे एक्टिंग की जाती है और अपनी छाप छोड़ी है उनके ऊपर. सो ऑल ऑफ देम आर माय फेवरेट. एंड यू नो मौका मिलता है जब भी कभी इनसे मिलने का मुलाकात करने का तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग सच पर्सनालिटी जिन्होंने अपने जोन में रह के बहुत नाम कमाया हो. सो इट्स ऑलवेज नाइस टू मीट देम एंड टू लर्न फ्रॉम देम. इट्स ऑलवेज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड. थोड़ा सा मैं शॉक में हूँ. मुझे लगा था आप एक दो का नाम लेंगे, लेकिन रजनीकांत सर से लेकर आप वेंकटेश जी और चिरंजीवी जी के बारे में भी बोले थे. ये सुन के बहुत अच्छा लगा. इदिविन्ना का थैंक चाला यू. बाने नहीं पहुंचे. सी आपने पूछा ना कि एक्टर कौन है तो मैं थोड़ा बहुत ध्यान रखता हूँ कि कौन अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं लोग. यू नो ओके. हम अपनी फील्ड के क्रिकेट खेलते हुए माहिर रहे हैं या फिर कोशिश करी है कि क्रिकेट उस लेवल की खेलें. बट यस साथ में ये भी पता होता है कि दूसरी फील्ड में कौन क्या कर रहा है. और सबको सलाम है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अच्छा करें आगे बढ़े जिंदगी में और अपने सब जो है वो सपने को पूरे करें. यही मेरी दुआ है सबके लिए. सर आप तो क्रिकेट में महान हो सर. आप इतना इस लेवल पे खेले कि हर गली पे मिलेगा एक हरभजन सिंह. क्योंकि हमेशा वो लड़के को एक कॉब मतलब ड्रीम रहता है ना, हरभजन सिंह बनना है. सो
यू अचीव लॉट ऑफ देखो, लाइक क्रिकेटर तो हर किसी को बनना है, क्रिकेट खेलने का शौक हर एक्टर को है, हर गली नुक्कड़ के लड़के को है, बच्चे को है, हर वो बूढ़े को है जिसने क्रिकेट देखा है अपने जिंदगी में, कभी ना कभी तो किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं क्रिकेट देखा जरूर है। मैं वेंकी की बात करना चाहूंगा, वेंकटेश, ही इज बीन अ ग्रेट 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 क्रिकेट फैन, यू नो, वो तो वर्ल्ड कप के मैच छोड़ते ही नहीं है, जब जहाँ वर्ल्ड कप होता है वहां पहुंच जाते हैं। उनके अलावा और भी बड़े एक्टर्स हैं जो वर्ल्ड कप के मैच देखते हैं, पहुंच जाते हैं, उसके अलावा और भी कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पहुंच जाते हैं मैच देखने के लिए, तो वहीं से मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, यू गेट टू नो देम, दे गेट टू नो अस, तो ऐसे करके जो इट्स नाइस टू नो यू नो ईच अदर की अपनी जिंदगी में आपने क्या क्या मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़े हो, सो इट्स नाइस टू नो अदर पीपल एज वेल व्हाट दे डू टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। पैंडमिक लो चाला टाइम दोरकिंदी कदा, ई टाइम लो मीर एक्कड़ इन्वेस्ट चेसारु, जो लॉकडाउन का टाइम है वहां किस में इन्वेस्ट किए थे आप ज्यादा तक? आई वाज जस्ट एट होम, आई लर्नड प्रोबब्ली ऑल द कुकिंग डिशेस, मैंने सब सीख लिया खाना वाना बनाना, क्योंकि इससे पहले मैं कभी किचन में गया नहीं था, बट या सो पेंडेमिक के दौरान मुझे टाइम मिला तो मैंने काफी कुछ बनाना सीख लिया, ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्थ इंडियन डिशेस, बट थोड़ी सी साउथ इंडियन डिशेस जिसमें से मेरी मेरी फेवरेट है उपमा, मैं बना लेता हूँ, और उसके अलावा मैं चटनी बना लेता हूँ, उपमा बना लेता हूँ, और सांबर थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, पर उतना अच्छा बनता नहीं है मेरे से जितना अच्छा मैं नॉर्मली कहूँ साउथ इंडिया में मिलता है, बट यस स्टिल वेरी गुड इनफ टू फॉर मी टू यू नो कि हाँ मैंने बनाया है। गीता जी बना लेते हैं? हाँ बिल्कुल, उनसे मैंने सीखा है, उनसे मैंने सीखा है कुकिंग, काफी हद तक मेरी उन्होंने मदद करी है कि ये चीजें डालनी है, इतनी देर के लिए पकाना है, इतनी देर के लिए ये करना है। Do you remember any dialogue from your film Friendship? मीके देना dialogue गुरुतुंदा Friendship नंची? Telugu or Tamil, anything is fine. मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर ठीक से ना बोल पाऊँ तो माफ करना, सर मुझे तो तमिल नहीं आती, चलेगा? मेरे लिए भी टंग ट्विस्टर है। Oh. इदा विश इदा विषयता इनुका कतू कोडुदा फ्रेंडशिप। ओह ओके, डू यू नो इवन द मीनिंग ऑफ इट? नो सर, मुझे प्लीज, ये तो एग्जाम हो जाएगा मेरे लिए, सो आई नो फ्यू वर्ड्स इन तमिल। मैंने एक महीना मैंने एग्जाम दिया देखो, और बट इट्स गुड, यू नो समथिंग यू कैन लर्न एवरी डे, सो मैंने चैलेंज लिया था कि हाँ भाई वहां रहूंगा मैं, सीखूंगा उन लोगों को जानने में कि वो क्या करते हैं निजी जिंदगी में, तो वंस यू देयर यू लर्न। ओके सर, मैं कुछ आपको तेलुगु में सिखाना चाहूंगी, सो आप हाँ बोलो, यू आर ओके विद दैट? ओके, सो दिस इज मेगास्टार चिरंजीवी सर्स डायलॉग, सो यू प्लीज रिपीट इट, दैट्स इट। सी सर, मोके कदा अनि पीकेस्ते, मोके कदा अनि पीकेस्ते, अनि पीकेस्ते, पीक कोस्ता, पीक कोस्ता, राइट, परफेक्ट। व्हाट डज इट मीन? इट मींस लाइक थोड़ा सा मुश्किल है मुझे बोलने में, लेकिन इट्स अ मास डायलॉग, सो चिरंजीवी सर्स डायलॉग। ओह, ही इज मास, चिरंजीवी इज बॉस, ही इज अ बॉस, ही इज अ बॉस, या बॉस इज बैक, सेकंड इनिंग्स भी स्टार्ट कर दिए उन्होंने, बिल्कुल, आई जस्ट सेकंड इनिंग्स में भी चौका छक्का लगा दिया उन्होंने। Yeah, I just saw his picture with Kapil Dev. It's nice to see both of them sitting together and having dinner. Yeah, recently even I have seen, so that's yeah, very nice one. Beautiful picture. So, okay, I'll teach you a few words like Bagunnara. Bagunnara. It means Bagunnara. How are you? Are you fine? It means Bagunnara. Bagunnara, yeah. Tinnara. I'm good. Innara. తిన్నారా? తిన్నారా? హాడ్ యువర్ లంచ్ ఆర్ డిన్నర్ వాట్ ఎవర్? నో, యు డిడ్ంట్ గివ్ మీ ఎనీథింగ్, వేర్ కెన్ ఐ హావ్ నౌ? యు ఆర్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ మీ హావ్ మనే ఖాయా యా నహీ, భేజా తో హై నహీ ఆప్నే? సర్, అబుదాబి కో భేజ్నే మే థోడా సా ముష్కిల్ హో జాయేగా సర్, వహాన్ తక్ ఆనే మే కుచ్ ప్రాబ్లమ్ హో జాయేగి। ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ సీ, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ విల్ దేర్ ఇస్ అ వే। క్యా కరూ మై, కుచ్ ఆవఖై పప్పు అన్నం భేజ్ దూ క్యా వహాన్ పర్, సాంబార్ రైస్ కుచ్ భేజ్ దూ క్యా? पप्पू अन्नम भेज दो मुझे। पप्पू इज दाल, राइट? दाल, राइट, करेक्ट। या आई नो, आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम वीवीएस लक्ष्मण, पप्पू।
I'll have some पप्पू. मैंने कहा यार पप्पू क्या है, तो बोलता दाल को पप्पू बोलते हैं. करेक्ट, पप्पू. या वी हैव पप्पू सांबार, पप्पू चार, लॉट ऑफ डिशेस हियर. अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक मोस्ट? क्रिकेट కాకుండా మీకు బాగా నచ్చిన స్పోర్ట్స్ ఏంటి? I like lawn tennis. Okay. Apart from lawn tennis, I play a lot of snooker. So yeah, these are two games I can say कि मुझे देखने में lawn tennis अच्छी लगती है और खेलने में snooker अच्छा लगता है. So of course Haribhajan Singh great cricketer, everybody knows about this. So but ippudu manchi actor ga kuda ee cinema tarvata naaku telisi prove chestunnaru. But eppudaina snanam chesinappudu shower daggara singer emanna bayataku vachina sandarbhalu unnaya? Wahan nahi, har jagah nikalta hai singer, but jahan nikalta hai wahan mujhe bas 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 tu mat gaya kar, tu bahut besura hai. Sir yahan par to koi bhi nahi rokenge aapko. Chalo aapne mujhe mauka diya to main fir ga hi deta hu, main mauka chhodta nahi hu. Ha please sir, please please. Okay, I'll sing this in Hindi. You'll have to sing in Telugu. Because this is one of my favorite song. Okay. Dil hai chota sa, choti si aasha, masti bhare man ki, bholi si aasha, chand taron ko chhune ki aasha, aasmanon mein उड़ने की आशा, चिन्न चिन्न आशा. हाउ हाउ डू यू सिंग नाउ? चिन्न दानी आशा. ओके, दूसरा गा लेते हैं. तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे सांसों में बस जा तू. वाओ, अभी इससे ज्यादा मैं गाऊंगा तो सब कहेंगे बंद कर दो यार ये इंटरव्यू. नो सर, दैट वाज अमेजिंग. ये तो तेलुगु में उरी के चिलके ओ वाला गाना है. सो बेटर मैं बंद कर दूं. या यार रहमान सर म्यूजिक बॉम्बे सिनेमा, सो दैट वाज रियली अमेजिंग अमेजिंग. सर सिंगर मतलब कब लॉन्च हो रहे हरिभजन सिंह एज अ सिंगर? सिंगर मुझे मौका ही नहीं को मिलता है यार मैं गाना गाऊं. जब मैं गाता हूं मेरे को सब बोलते हैं कि तू मत गाया कर यार, बहुत बेसुरा. आफ्टर दिस ऑडिशन डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ कॉल्स एंड मतलब मौका तो मिलेंगे शायद. अब्बा मेरा हिंदी को क्या मैंने समझ में नहीं आ रहा. दो एक फिल्म एक एक पंजाबी गाना मैंने गाया हुआ है. इट्स ऑन मदर्स, इट्स ऑन यूट्यूब, मेरी माँ बाय हरभजन सिंह. इट्स अबाउट मदर्स. तो दूसरा गाना इज लाइक ए मैसेज इन पोएट्री. आई हैव डन दैट, बट आई हैव नॉट डन एक्चुअली अ सॉन्ग व्हिच यू नो लाइक ए प्रॉपर सॉन्ग. तो आई डोंट नो इफ आई एम गुड इनफ टू डू दैट, बट कभी मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे, ट्राई करेंगे. ट्राई करेंगे तो ही आएगा ना, नहीं तो घर बैठे तो कुछ नहीं आएगा. So, सतीश जी का बारे में कुछ बोलना चाहोगे क्या आप? He has a unique comedy timing, so. Yeah, सतीश is a very very funny guy and very very friendly. तो उसने मेरा बड़ा ध्यान रखा सेट्स के ऊपर. हमेशा पूछता था ब्रदर मैं ये खाना मंगाऊं, मैं वो खाना मंगाऊं, यहाँ की लोकल डिश बड़ी अच्छी है. तो he also fed me और बहुत फनी है जैसे आप सब जानते हो. जैसा वो फिल्मों में दिखता है वैसा ही है वो. किसी न किसी से वो खेलता ही रहता है सेट पे. जो उसके आजू बाजू लोग रहते हैं वो हंसते ही रहते हैं. मैंने भी सोचा नहीं था, लेकिन मुझे लगा थोड़ी बहुत कंफर्टेबल होंगी, मैं करूँगी आपको भी. लेकिन दिस इज रियली ग्रेट. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू हरभजन जी. थैंक यू वेरी मच. थोड़ा सा नर्वस थी मैं. गीता भगत, सेम योर वाइफ नेम. फिर तो प्रणाम ही करना बनता है सर. वाइफ का नाम है प्रणाम क्यों सर? माता जी का नाम तो प्रणाम करना पड़ेगा, वाइफ का नाम है थोड़ा सा लव कुछ स्प्रेड करना पड़ेगा. देखो वही वही हाथ जोड़ दिए सीधे. मैं जहां जाता हूँ गीता मेरे साथ साथ चलती है. देखा अब यहाँ भी आ गई. या मैंने पूछी थी थोड़ा सा हार्ट. हाँ ये लो गीता के लिए, स्पेशली फॉर मी. गीता मतलब मेरा आपका लाइफ पार्टनर के लिए.
गीता का लिए सर, वेरी इंटेलिजेंट. एंड एनी हो, थैंक यू सो मच. इट वॉज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड. बहुत बड़ा सा हिट लीजिए, सो ब्लॉकबस्टर हिट, मतलब फ्रेंडशिप ब्लॉकबस्टर हिट. आफ्टर सक्सेस मीट विल मीट अगेन, विल टॉक अगेन. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच गीता. गॉड ब्लेस यू. कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी.